Hello student, myself Kruti Anjali, and in previous video we have learnt addition and now we will see the remaining part of this chapter. So here 2 plus 3, तो देखिए यहाँ पे हमें 2, तो 2 के ऊपर हमने दो सर्कल किए छोटे छोटे, यहाँ पे 3, 3 के ऊपर 1, 2, 3, तो अब ये टोटल सर्कल कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आंसर 5 आया. तो देखिए ये हमें हॉरिजॉन्टल दिया है और अभी ये वर्टिकल है, तो देखिए यहाँ पे इसको सिर्फ ऐसे किया है, तो 2 प्लस 3 और नीचे इसका आंसर आएगा. तो यहाँ पे 1, 2 एंड 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आंसर क्या आएगा 5. तो इसी तरह हमें ये सारे एग्जाम्पल देखेंगे. तो यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे कितने छोटे सर्कल बनाएंगे 1 एंड 2. फिर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे 1, 2 एंड 3. तो अभी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये है जो प्लस है और ये है इज इक्वल टू, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, हम इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे, कितने होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5. नेक्स्ट ये है 4, तो हम यहाँ पे छोटे 4 सर्कल बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 2, तो यहाँ पे हम 2 सर्कल बनाएंगे 1 एंड 2. अभी इन दोनों को हम साथ में काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने होंगे, ये 4 और ये 2, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट ये 5 है, तो यहाँ पे 5 सर्कल बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 1. अभी हम इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. अभी जो हमने आगे एग्जाम्पल देखे वो हॉरिजॉन्टल थे, अभी हमें वर्टिकल से लिए हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग था, तो हम यहाँ पे दूसरी बाजू में इसी तरह से सेम ही करना है, बस ये है जो वर्टिकल फॉर्म में दिया है. तो ये 2 है, तो यहाँ पे कितने सर्कल आएंगे 1, 2, और यहाँ पे 3 है, तो कितने सर्कल आएंगे 1, 2 एंड 3. यहाँ पे 2 प्लस 3 इक्वल टू साथ में कितने होंगे, हमने आगे देखा था ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, आंसर विल बी 5. नेक्स्ट यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे कितने सर्कल बनाएंगे 4, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 2 है, तो हम कितने सर्कल बनाएंगे 1, 2. अभी हाउ मेनी ऑल टुगेदर साथ में दोनों कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 4 प्लस 2 इक्वल टू 6. ये 5, तो यहाँ पे हम कितने सर्कल बनाएंगे 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 1. अभी साथ में काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. आंसर क्या आएगा 6. तो हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 और जो हमें बाजू में जो दिए वो वर्टिकल फॉर्म में दिए, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा. यहाँ पे 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 हुए, उसी तरह ये 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 एंड 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे 3 है, तो हम छोटे 3 सर्कल बनाएंगे 1, 2 एंड 3. देन 6, तो यहाँ पे हम 6 सर्कल बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी हम उसको साथ में काउंट करेंगे, तो 3 प्लस 6, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9. आंसर विल बी 9. नाउ ई, तो यहाँ पे 7 है, तो हम कितने सर्कल बनाएंगे 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और अभी यहाँ पे 0 है, तो 0 मीन्स नथिंग, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं ग्रो करना है. तो यहाँ पे 7 प्लस 0, तो आंसर क्या होगा, हम सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, तो ये तो कितना है हमें पता है 7, तो आंसर क्या आएगा 7. कोई भी नंबर को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, तो नंबर जो है वही आंसर आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा 7 है. नाउ एस, यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे कुछ भी
फिर नेक्स्ट है 9, तो हम यहाँ पे कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो अभी आंसर क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं और ये तो 9 है, तो आंसर क्या आएगा, 9. तो 0 के साथ यहाँ पे देखिए 0 सेकंड वाला नंबर था वो 0 है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 0 है, पर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 आगे हो या पीछे आंसर तो जो नंबर है वही आएगा. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 9. 0 के साथ हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नंबर 8. नाउ अभी हमने जो आगे देखी सब इसको वर्टिकल फॉर्म में लिए, तो आंसर तो क्या आएगा, सेम टू सेम ही आएगा. जैसे हमने आगे देखा था 4 के लिए हमने 4 सर्कल ड्रॉ किए थे, फिर 2 के लिए 2 सर्कल हम ड्रॉ करेंगे. अभी हम इसको साथ में काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आंसर क्या आएगा, 4 + 2 = 6. इन दोनों को हमने 4 में टू को ऐड किया था तो आंसर क्या आया, 6, क्योंकि जो 4 नंबर थे इसमें हमने 2 और ऐड कर दिया, तो क्या फिर आता है आंसर 6. ना उसी तरह 7, तो यहाँ पर कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और 0 के साथ हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर एक साथ आंसर आता है, तो 7 + 0 क्या आएगा, आगे जो भी नंबर दिया वो उसका आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7. नाउ एफ, तो यहाँ पे 0 है तो कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 सर्कल आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो आंसर क्या आएगा, 0 है ऊपर तो नीचे 9 है, तो 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आता है, नंबर 8 सर्कल, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 9. तो यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल है 3 + 6, 7 + 0 and 0 + 9, तो यहाँ पे एक साइड उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दी है और दूसरी साइड उसको वर्टिकल फॉर्म में दी है, पर आंसर तो उसकी क्या आएगी, सेम ही आएंगे. तो 3 + 6 = 9, यहाँ पे 3 + 6 = 9 है और वहां पे 4 + 2 दिया है, वो अलग हो गया है, वहां पे भी 3 + 6 = क्या आएगा, 9. फिर यहाँ पे 7 + 0 = 7, उधर भी 7 + 0 = 7, यहाँ पे भी 0 + 9 = 9 एंड 0 + 9 = 9. तो यहाँ पे जो भी हमने सारे एग्जाम्पल देखे आपको यहाँ पे वो ये पूरा अपनी मैथ्स की नोटबुक में भी लिखना है और अपने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी करना है. नाउ नेक्स्ट एड एंड मैच. तो यहाँ पे हमें 2 एडिशन दिए है 2 नंबर के और यहाँ पे भी 2 नंबर के दिए है, बीच में जो सारे बॉक्सेस है उसमें हमें जो सर्कल दिए, अभी हमें 3 + 2 है तो 3 + 2 का आंसर जो भी आता है हमें उस जिसमें 3 + 2 सपोज इज इक्वल टू 5 है, तो 3 + 2 = 5 है, तो यहाँ पे जो भी जिस बॉक्सेस में 5 हमें सर्कल दिए हमें उस पर मैच करना है. तो ये देखिए हमें एक गिवन है दिया हुआ है 3 + 2, तो 3 + 2 = कितने होंगे, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 एंड अगेन 1, 2, तो टोटल 5 होते हैं. तो उसी तरह यहाँ पे भी 2 + 3 = 5 होगी. देखिए यहाँ पे जो एडिशन होता है उसमें 2 नंबर्स जो होते हैं उस 2 नंबर को हम अगर एक्सचेंज भी करें तो कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आता, जैसे कि 3 + 2 लिखो या फिर 2 + 3 लिखो, आंसर विल बी सेम. तो यहाँ पे 3 + 2 एंड 2 + 3 है तो दोनों का आंसर सेम आएगा 5, उसी तरह से करना है. फिर देखिए ये नेक्स्ट है 4 + 2, तो 4 + 2 कितने होंगे, देखिए यहाँ पे 4 है तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 है तो 1, 2, तो अभी साथ में कितने होंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो हमें यहाँ पे जिस भी बॉक्सेस में 6 सर्कल हो ऐसे बॉक्सेस के साथ हमें इसको मैच करना है. तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे भी हमारे 6 हुए थे और ये भी 6 है तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे 6 के साथ. अभी इसी तरह यहाँ पे 4 + 2 है तो हमें इस लाइन में 2 + 4 ढूंढना है, उसका सिर्फ उल्टा 2 + 4, तो इसका आंसर भी 6 आएगा. तो यहाँ पे 2 + 4 हमें नहीं दिया है तो अभी ऐसे कौन सा नंबर है जिसका नंबर 6 आएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 + 3, तो 1, 2, 3 और यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3. अभी ये हाउ मैनी ऑल टूगेदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 हुए ना, 3 + 3 भी 6 ही होते हैं और 4 + 2 भी 6 होते हैं, तो ये भी 6 के साथ हम इसको मैच करेंगे.
यहाँ पे 3 प्लस टू में हमें उल्टा दिया था कि 2 प्लस थ्री, लेकिन इसमें 2 प्लस फोर नहीं दिया, 3 प्लस थ्री दिया, लेकिन 3 प्लस थ्री का भी आंसर 6 ही आता है. 2 प्लस फोर हो तो भी 6 एंड 4 प्लस टू हो तो भी 6. नाउ 3 प्लस फोर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4. तो अभी ये दोनों साथ में कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हमें बॉक्सेस में जिसमें भी 7 सर्कल है उसके साथ उसको मैच करना है. तो हम इससे शुरुआत करेंगे, इससे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. तो ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो इसके साथ इसको हम मैच करेंगे. अभी यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है उसमें जिसका भी आंसर, जिस भी एडिशन का आंसर 7 आता हो, हम इसको उसके साथ मैच करेंगे. तो यहाँ पे ये दोनों तो मैच हो गए. अभी देखिए ये 0 प्लस 8 है, और 0 प्लस 8 तो क्या होता है, आंसर 8 ही आंसर आएगा इसका तो. और ये हमारे कितने हैं, 7 है, तो हमें 7 ढूंढने हैं. फिर यहाँ पे देखिए 3 और 6 है, तो 6 उसके बाद 3 ऐड करते तो 7 8 9, तो ये भी 9 होगा. फिर यहाँ पे देखिए 5 है और ये 2 है, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5, और ये 2 है तो 1 2. तो यहाँ पे साथ में हम उसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 था और हमारा ये भी 7 था, तो ये इसके साथ हम इसको मैच करेंगे. यहाँ पे देखिए 5 प्लस 2 एंड 3 प्लस 4, दोनों का आंसर क्या आएगा, 7. नेक्स्ट 8 प्लस 0, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जो नंबर आगे का होगा वो. तो 8 प्लस 0 है, तो यहाँ पे तो हमें 8 दिया है, तो आंसर क्या होगा, 8. तो हम यहाँ पे 8 जिसमें भी हो गए हम उसको ढूंढना है सर्कल. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है तो ये भी नहीं आएंगे, और ये तीनों तो मैच हो चुके हैं. फिर नेक्स्ट ये 3 है तो ये भी नहीं आएंगे. अभी हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 है और ये 8 प्लस 0 है, तो हमारा इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे. अभी आप यहाँ पे हमें इस लाइन में 8, जिसका भी आंसर 8 हो ऐसा ढूंढना है. तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मैच हो चुके हैं. फिर हमें देखिए यहाँ पे 0 प्लस 8, तो 8 प्लस 0 हो या 0 प्लस 8 हो, आंसर तो क्या आएगा, सेम ही. कोई फर्क पर, कोई जो डिफरेंस होता है वो नहीं होता अगर इसको हम एक्सचेंज नंबर को आगे पीछे करते हैं. तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 8, तो हम इसको भी इसके साथ मैच करेंगे. फिर नेक्स्ट है 6 प्लस 3, तो यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3. अभी हमें साथ में इसको काउंट करेंगे कि कितने होते हैं ये, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 3, 7 8 6 के बाद 7 आता है, तो 7 8 9. तो यहाँ पे हमें जिस बॉक्सेस में 9 सर्कल हो इसको साथ इसको मैच करना है. तो यहाँ पे इस बॉक्स में कितने सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे. यहाँ पे हम इसमें भी फाइंड करेंगे कि कहाँ पे किस एडिशन का आंसर 9 आता है. तो ये जो फर्स्ट 3 है वो तो मैच हो चुके हैं, अभी ये वाला 6 एंड 3 एंड 6. तो देखिए यहाँ पे हमें 6 प्लस 3 था और यहाँ पे 3 प्लस 6 है, तो सिर्फ नंबर है वही एक्सचेंज हुए. यहाँ पे फर्स्ट 6 है और यहाँ पे फर्स्ट 3 है, यहाँ पे सेकंड 3 है और यहाँ पे सेकंड 6 है, तो क्या होगा, तो 6 प्लस 3 एंड 3 प्लस 6 सेम होंगे. तो हमने इसको इसके साथ मैच किया था, इसका आंसर 9 था, इसका भी आंसर 9 है, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे. नाउ 2 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 है फर्स्ट नंबर, तो 1 एंड 2, यहाँ पे 1 है तो 1. अभी हम इसको साथ में काउंट करेंगे, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या है, 3. तो अभी हमें इसमें 3 ढूंढना है. तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5, ये तो सब मैच हो चुके हैं. यहाँ पे 1 एंड 2, तो देखिए इसमें पहले हम 3 को साथ काउंट, तो याद देखिए 1 2 3 है ये और इसका आंसर भी 3 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 3 आया, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे. फिर यहाँ पे 1 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हुआ, तो वैसे 1 प्लस 2 भी 3 होगा, जैसे यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, 1 2 3, तो ये भी 3 के साथ मैच होगा, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे. अभी देखिए ये बचा 1 प्लस 3, तो ये 1 है और ये 3, 1 2 3, तो कितने होंगे ये, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी हमें 1 2 3 4, तो इसका आंसर सेम हो, तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे. फिर यहाँ पे देखिए पूरी लाइन में सिर्फ यही बचा है अभी, तो 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 भी कितने होंगे, उसी तरह 4 ही होंगे,
वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे भी फोर है, वन टू थ्री फोर सर्कल, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पे जो भी तीनों मैच हुए इनके आंसर सेम होते हैं, जैसे थ्री प्लस टू, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव ही होते हैं, थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन एंड फाइव प्लस टू इज इक्वल टू भी सेवन, ऐसी तरह ये उसका आंसर सेम आता है, इसको इस तरह से पूरा मैच करना है। ये आपको पूरा जो है वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी करना है, एड एंड मैच। नाउ नेक्स्ट, राइट द मिसिंग न्यूमेरल्स। इससे पहले हम जो एडिशन है वो देख लेते हैं, ये वाले। तो यहाँ पे देखिए एड, तो जैसे हमने आगे देखे ऐसे एग्जाम्पल दिए हमें, टू प्लस सेवन, तो टू प्लस सेवन इज इक्वल टू कितने होंगे हमें वो काउंट करने हैं। तो हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, हमें पता है जैसे फर्स्ट नंबर टू है तो हम टू लाइन ड्रॉ करेंगे वहां पे, यहाँ पे सेवन है तो हम सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अभी हमें क्या करना है, ये जो लाइन है उनको साथ में काउंट करना है, तो जैसे वन टू, फिर इसके बाद थ्री आता है, तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, तो आंसर क्या आएगा इसका, नाइन। तो उसी तरह हमने जिस तरह से देखा आगे टू प्लस सेवन, इसी तरह हम इसको काउंट करेंगे। तो हमने कैसे किया था, यहाँ पे वन टू लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे सेवन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, सेवन लाइन ड्रॉ की, अभी हमने दोनों को साथ में काउंट करना है, जैसे यहाँ पे टू एंड सेवन, तो वन टू के बाद थ्री आता है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आंसर क्या आएगा, नाइन। नेक्स्ट थ्री प्लस फाइव, यहाँ पे थ्री है, वन टू थ्री, यहाँ पे फाइव होता है, फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अभी इन दोनों को साथ में काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो थ्री प्लस फाइव कितना आंसर आएगा, एट। नेक्स्ट फोर, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे जीरो होते हैं, जैसे हमने आगे देखा जीरो होता है तो वहां पर कुछ भी नहीं आएगा, जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टी सॉरी ऐड करें तो आंसर क्या होता है, नंबर इट सेल्फ, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फोर, क्योंकि यहाँ पे वन टू थ्री फोर है, यहाँ पे कुछ है नहीं, आंसर फोर। नेक्स्ट टू प्लस टू, तो यहाँ पे टू है, वन टू, और यहाँ पे भी टू है, टू लाइन टू करेंगे, वन टू, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, दोनों साथ में मिला के कितने होते हैं, टू प्लस थ्री इक्वल टू। वन एंड थ्री, तो यहाँ पे वन है तो वन लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे थ्री है नंबर से, तो वन टू एंड थ्री, तो ये दोनों लाइन साथ में मिलाकर कितने हो गए, वन एंड थ्री, तो वन टू थ्री एंड फोर, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फोर। फिर नेक्स्ट फोर प्लस वन, वन, तो हमने जिस तरह से आगे किया उसके तरह फोर के ऊपर हम फोर लाइन ड्रॉ कर देंगे, वन टू थ्री एंड फोर, अभी वन है तो वन, अभी दोनों को हम साथ में काउंट करेंगे, तो वन टू थ्री फोर, और टू के बाद क्या होगा, तो फाइव, आंसर क्या आएगा, फाइव। नेक्स्ट जीरो प्लस टू, तो हमें पता है जैसे जीरो प्लस टू किसी भी नंबर को हम जीरो के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, जो दूसरा नंबर वो किया गया, आंसर क्या आएगा, टू। नेक्स्ट थ्री प्लस टू, तो यहाँ पे थ्री है तो इसके ऊपर भी थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे फोर, तो वन फोर, तो अभी दोनों को साथ में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आंसर ये भी सेवन। यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दी है वो सब वर्टिकल फॉर्म में है, तो फर्स्ट क्या है थ्री, तो हमें जैसे आगे करते हैं वैसे वन टू थ्री लाइन ड्रॉ की, अभी सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी इन दोनों को इन साथ में काउंट करना है, तो वन टू थ्री, इसके बाद क्या आएगा, फोर, तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नाइन। अभी यहाँ पे हमें क्या है, फाइव, और यहाँ पे टू, तो जैसे हमने आगे किया था उसी तरह फर्स्ट फाइव में फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे टू, वन टू, अभी इन दोनों को साथ में कितने होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेवन। यहाँ पे थ्री प्लस थ्री, तो उसी तरह से थ्री लाइन और अगेन थ्री लाइन, इन दोनों को साथ में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे आंसर सिक्स आएगा। यहाँ पे जीरो प्लस एट, हमें पता है जब भी जीरो आए तो उसका दूसरा नंबर उसका आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट। सिक्स प्लस थ्री, तो
यहाँ पे फर्स्ट सिक्स है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन ड्रॉ की, अगेन अभी यहाँ पे कितनी है थ्री, टू नीचे हम थ्री लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री, अभी हम इसको साथ में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा नाइन। यहाँ पे वन, तो यहाँ पे वन लाइन, फिर यहाँ पे सेवन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वे इसको साथ में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा एट। टू प्लस थ्री, तो यहाँ पे फर्स्ट में टू लाइन, फिर अगेन थ्री, अभी साथ में काउंट करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे आंसर फाइव आएगा। फाइव प्लस टू, यहाँ पे फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे टू, अभी साथ में काउंट करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे आंसर क्या आएगा सेवन। थ्री प्लस फोर, यहाँ पे थ्री है, तो वन टू थ्री, और यहाँ पे फोर है, तो वन टू थ्री फोर, अभी इसको साथ में काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर सेवन ही आएगा। तो ये जो पूरे एग्जाम्पल थे सारे आपने देखे, इसके आंसर आपको या टेक्स्ट बुक में भी लिखना है, फिर इसको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट, राइट द मिसिंग न्यूमेरल्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबके आंसर दिए और जो एडिशन है दो वो हमें खुद लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे फाइव दिया है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिसको मिला के आंसर फाइव आएगा, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे देखिए फोर प्लस वन तो वो भी फाइव होगा, थ्री प्लस टू वो भी फाइव होगा, टू प्लस थ्री वो भी फाइव होगा, वन प्लस फोर वो भी फाइव होगा, जीरो प्लस फाइव वो भी फाइव होगा, फाइव प्लस जीरो वो भी फाइव होगा। तो इसमें से आप जो भी चाहे वो लिख सकते हो खुद से। यहाँ पे मैं एक एक सब में एग्जाम्पल लिख देती हूँ, और आपको अगर उसके दूसरा भी आंसर जो फाइव आता है वो लिखना हो तो भी लिख सकते हो। देखिए जैसे हमें पता है कि जीरो, एक हम जीरो से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम जीरो प्लस फाइव, तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आता है नंबर, तो यहाँ पे जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव हो गया। फिर दूसरा है सेवन, तो फाइव, अगर हम फाइव में टू ऐड कर देते हैं तो फाइव के बाद क्या आता है सिक्स सेवन, तो यहाँ पे टू हो गए तो सिक्स सेवन हो गया, तो यहाँ पे हम फाइव प्लस टू लिखेंगे। अभी फोर है, तो देखिए यहाँ पे हम टू लाइन स्टोर करें और यहाँ भी टू लाइन स्टोर करते हैं, तो वन टू थ्री फोर, ये भी इसका आंसर फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू प्लस टू, तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। यहाँ पे एट है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसके दो, जिस नंबर को ऐड करो तो आंसर एट आता है, फोर प्लस फोर, फाइव प्लस थ्री, थ्री प्लस फाइव, वन प्लस सेवन, सेवन प्लस वन, जीरो प्लस एट, एट प्लस जीरो, ऐसे बहुत सारे नंबर है। इसमें से हम एक नंबर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे वन एंड सेवन, अभी इसको साथ में काउंट करो, वन एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो अभी टोटल कितने हो गए एट। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस दो जो बॉक्सेस दिए उसके नीचे आप जितनी चाहे वो लाइन दो ड्रॉ करो, लेकिन जो दोनों लाइन्स हो वो मिलाकर आंसर एट आना चाहिए, उस तरह से आप कोई भी दो नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट है सिक्स, तो यहाँ पे देखिए अगर हम दो ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसमें सिक्स होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे हम वन करते हैं, यहाँ पे टू करते हैं, और यहाँ पे, तो यहाँ पे टू की, तो अभी कितने उसमें ऐड करेंगे तो सिक्स होगी, वन टू, फिर यहाँ पे थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो सिक्स होने के लिए हमें कितनी ड्रॉ करनी पड़ी, फोर लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, तो यहाँ पे फोर और यहाँ पे टू, तो फोर प्लस टू इज इक्वल टू भी आंसर क्या होगा सिक्स। फिर नेक्स्ट है थ्री, तो यहाँ पे थ्री में भी हम ऐसे कोई भी लाइन्स ड्रॉ के करके लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा यहाँ पे वन एंड यहाँ पे टू, तो वन टू थ्री आंसर थ्री हो गया। फिर नेक्स्ट है नाइन, तो नाइन में भी हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम वन टू थ्री फोर ऐड कर दिए हमने, यहाँ पे फोर हमें लिखना है, और फिर एक कोई भी एक नंबर आप लिख दो, फिर दूसरा आपको उस हिसाब से लिखना होता है। जैसे देखिए हमने फोर चूज कर लिया, तो अभी फोर में हम कितने नंबर्स ऐड करेंगे तो आंसर नाइन होगा, देखिए फोर है, फिर नेक्स्ट फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन हो तब तक हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो फोर हो गए, ये फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यहाँ पे कितनी लाइन्स ऐड की हमने, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर फाइव, तो फाइव प्लस फोर इज इक्वल टू नाइन। फिर नेक्स्ट है वन, तो अभी वन कौन सा नंबर ऐसा है जिसके साथ ऐड करेंगे तो वन आएगा, तो उसकी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, जीरो प्लस वन और वन प्लस जीरो,
तो हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 1 + 0 तो आंसर तो 1 ही होगा, और कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिसको ऐड करके आंसर 1 आ सके। तो ये भी जो है वो पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमने जितने भी सारे एग्जाम्पल देखे वो सारे आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में चैप्टर 3 एडिशन में लिखने हैं। तो हियर आवर थर्ड चैप्टर एडिशन इज ओवर, एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।